देखो प्यारे बच्चों, अपनी तीन आइडेंटिटीज हो चुकी थी, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो थी अपनी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सेकेंड अपनी आइडेंटिटी क्या थी? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। जो अपनी थर्ड जो आइडेंटिटी थी, थर्ड अपनी आइडेंटिटी क्या थी? ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल था? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जो अपनी जो फोर्थ जो आइडेंटिटी आएगी, जो अपनी फोर्थ आइडेंटिटी क्या है अपनी, आज यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, फोर्थ आइडेंटिटी है अपनी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके अंदर तीन वेरिएबल है, ए बी और सी। इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है? देखो यहां से, अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहां से अपना आ गया टू ए बी, यहां पे आ गया टू बी सी, और यहां पे अपना आ गया टू ए सी, ठीक है। जो अपनी नेक्स्ट वर्कशीट फोर है, उसके अंदर ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्या उन सी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ अपनी बुक से मैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। देखो एक क्वेश्चन है अपना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूँ यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड का होल स्क्वायर। देखो बच्चे यहाँ से, देखो यहाँ पे जो अपना ये है, ठीक है, यहाँ पे आपकी बार अपना b है, b किसका है अपना? माइनस का है, ठीक है ना। आइडेंटिटी ये वाली यूज होगी, बट ध्यान रखना जो b है ये इसको अपना नेगेटिव लेके चलना। देखो कैसे लेके चलेंगे, तो देखो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे x, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का टू वाई, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे थ्री जेड। देखो यहाँ से आइडेंटिटी अप्लाई कर दो यहाँ से, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मीन्स यहाँ पे एक्स का होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी माइनस का टू वाई, और इसका क्या हो रखा है स्क्वेयर। तो देखो माइनस का टू वाई का होल स्क्वेयर प्लस सी, सी की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे थ्री जेड, और थ्री जेड का क्या हो रखा है यहाँ पे अपना स्क्वेयर, तो थ्री जेड का होल स्क्वेयर। आगे बढ़ो, आगे देखो टू ए बी, टू ए बी मीन्स अपना टू मल्टीप्लाई ए, ए की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे एक्स, और बी की वैल्यू कितनी है अपनी यहां पे माइनस का टू वाई। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्या लिखा, टू बी सी प्लस टू मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू कितनी अपनी यहां पे माइनस का टू वाई, और सी, सी की वैल्यू कितनी अपनी यहां पे मल्टीप्लाई का थ्री जेड प्लस टू ए सी, टू ए सी मीन्स टू मल्टीप्लाई बाई, ए की वैल्यू कितनी अपनी यहां पे एक्स, और c की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे थ्री जेड। देखो यहां से x का स्क्वेयर प्लस, देखो जब आप माइनस का स्क्वेयर करोगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी, ठीक है। टू का स्क्वेयर तो कितना होता है अपना फोर, और y का स्क्वेयर कितना होता है अपना प्लस थ्री, थ्री का स्क्वेयर करेंगे तो कितना बनेगा आपका नाइन, और z का स्क्वेयर करेंगे तो कितना बनेगा अपना यहाँ पे जेड स्क्वेयर, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ो अब प्लस, अब देखो यहाँ पे टू टू जो कितना होता है अपना फोर, एक्स मल्टीप्लाई वाई कितना बन गया अपना एक्स वाई, यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब देखो यहाँ पे ये टू वाई यहाँ पे किसका था अपना माइनस का, और ये यहाँ पे किसका अपना प्लस का, और प्लस और माइनस जब आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका बन जाएगा अपना यहाँ से, ये बन जाएगा अपना यहाँ से माइनस का, और टू टू जब फोर, और ये एक्स, और लास्ट में क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पे वाई, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे देखो टू टू जा फोर, फोर थ्री जा कितना हो गया अपना ट्वेल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे वाई और जेड तो है ही आपका, अब यहाँ पे ये देखो ये आपका किसका है यहाँ पे माइनस का, और टर्म सारी किसकी अपनी पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये माइनस का, ये बाहर किसका है आपका प्लस का, जब प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, और ये बच गया आपका वाई, और ये हो गया आपका यहाँ से जेड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो यहाँ पे, आगे सिंबल आपका प्लस का, तो टू थ्री जा कितना हो गया अपना यहाँ से सिक्स, और ये है आपका एक्स, और ये है आपका यहाँ पे जेड। तो ये अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन हो गई, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू माइनस की है बस उसका थोड़ा स्क्वेयर करते हैं इसमें, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करो उस टाइम बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कौन सी प्लस की वैल्यू आएगी कौन सी आपकी माइनस की वैल्यू आएगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे
देखो चार एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर है ये आपका, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 2x माइनस का 4y और माइनस का 1 का होल स्क्वायर। देखो चाहे यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही अपनी, यहाँ पे कौन कौन सी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2x, b की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे 4y, बट ध्यान रखना b की वैल्यू माइनस 4y, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग यहाँ से। और c की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मीन्स यहाँ पे अपना 2x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वेयर। देखो यहाँ पे b ध्यान रखना माइनस का है, तो आप स्क्वेयर करोगे तो माइनस 4y का होल स्क्वायर प्लस, आगे बढ़ो यहाँ पे आपका सी भी किसका है माइनस का है, और माइनस 1 का क्या करेंगे यहाँ पे हम स्क्वेयर करेंगे प्लस। आगे बढ़ो अब यहाँ पे ये लिखा प्लस का 2ab, तो देखो प्लस का 2ab, देखो 2 मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a की वैल्यू है यहाँ पे 2x, ठीक है। a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस का 4 और y, तो मल्टीप्लाई बाई माइनस का 4y, ठीक। आगे बढ़ो आप प्लस 2bc, तो देखो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे माइनस का 4y और c की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे माइनस का 1, ठीक है। आगे बढ़ो प्लस आगे लिखा 2ac, तो 2 मल्टीप्लाई a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अपनी 2x और c की वैल्यू कितनी अपनी यहाँ पे माइनस का 1। अब देखो मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखना थोड़ा सा, देखो यहाँ पे तो 2x माइनस 4y माइनस का 1 इज का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गए यहाँ से, देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, स्क्वायर कर रहे हैं माइनस 4y का। आपको पता है जब माइनस का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हमेशा माइनस की वैल्यू का हमेशा क्या होता है आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 16 और y मल्टीप्लाई y कितना हो गया आपका वाई स्क्वायर, ध्यान रखना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना जब माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो हमेशा आपका पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्लस, देखो माइनस 1 का स्क्वायर करना है, मैंने आपको अभी बताया था जब माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर, अब 1 को चाहिए कितनी बार मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर हमेशा कितना रहेगा 1 ही रहेगा, चाहिए 1 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करो, चाहिए आप 10 बार मल्टीप्लाई करो, तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया अपना 1। आगे देखो यहाँ पे 2ab, तो 2 टू जा 4, 4 टू जा कितना हो गया अपना यहां से 8। अब देखो x और y, बट आपको ध्यान रखना है यहां पे ये 4 किसका है यहां पे आपका ना माइनस का है, अगर आपका 4 माइनस का है बार किसका सिंबल है प्लस का सिंबल है, प्लस माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका बन जाएगा यहां पे प्लस का नहीं बनेगा, यहां पे किसका बनेगा आपका माइनस का बनेगा, ठीक है। आगे देखो यहां पे 4 टू जा कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे तो देखो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस और माइनस तो किसका बन गया यहाँ पे आपका प्लस का बन गया, तो 4 टू जा कितना हो गया अपना यहाँ पे प्लस का 8 और y, क्योंकि अब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज वही नंबर आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 टू जा कितना होता है अपना 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई माइनस का 1, तो कितना बनेगा आपका यहाँ से माइनस का 4 और 2 के साथ क्या लगा हुआ था अपना x, ये क्या हो गया अपना यहाँ से अपना आंसर हो गया। तो आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट 4 है, पूरी वर्कशीट इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस है a प्लस बी प्लस सी का, और उसके बस आपको ध्यान रखना है जो वैल्यू माइनस की है बस आपको उसको माइनस का लिखना है और जो वैल्यू प्लस की है आपको उसका प्लस को लिखना है। इसके अंदर टोटल 12 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से इसकी प्रैक्टिस करोगे, बाकी आप लोग एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसका, देखो एक क्वेश्चन करा, फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, देखो देखो बच्चे यहाँ से क्वेश्चन है अपना यहाँ से माइनस का a प्लस का 6b माइनस का 2c का होल स्क्वायर। देखो बच्चे यहाँ से देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सेम वही आइडेंटिटी है, बस इनके अंदर क्या आ गया माइनस आ गया, ठीक। देखो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर, a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक वैल्यू कितनी अपनी a ही है ऑलरेडी,
तो माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स सिक्स बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर मीन्स माइनस टू सी का होल स्क्वायर। अब देखो यहां से प्लस का टू ए बी, तो प्लस का टू ए बी है तो प्लस टू मल्टीप्लाई बाई ए। देखो ए की वैल्यू कितनी है अपनी, यहां पे ध्यान रखना इस चीज का, ए की वैल्यू है यहां पे माइनस का ए, और बी की वैल्यू कितनी है अपनी यहां पे सिक्स बी। आगे चलो प्लस टू, टू बी सी, तो टू मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू कितनी थी अपनी यहां पे सिक्स बी, और सी की वैल्यू कितनी थी अपनी यहां पे माइनस का टू सी। आगे बढ़ो प्लस का टू मल्टीप्लाई बाई ए सी, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का ए, और सी की वैल्यू कितनी है अपनी यहाँ पे माइनस का टू सी। देखो अब यहाँ पे जब माइनस ए का स्क्वायर करोगे, तो मैंने अभी बताया था माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो माइनस ए का स्क्वायर क्या हो गया अपना ए स्क्वायर, प्लस सिक्स बी का स्क्वायर करेंगे तो सिक्स का स्क्वायर तो कितना हो गया थर्टी सिक्स, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। देखो आगे सिंबल आया प्लस का, देखो टू सी माइनस टू सी का स्क्वायर करेंगे तो टू का स्क्वायर तो कितना हो गया अपना यहाँ से फोर हो गया, और सी का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस टू की मैंने अभी आपको बताया था जब माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है आगे देखो अब यहाँ पे प्लस का टू ए बी, तो टू मल्टीप्लाई सिक्स तो कितना होता है अपना ट्वेल्व होता है, बट ध्यान रखो ये किसका है यहाँ पे माइनस का, बार सिंबल किसका है प्लस का, प्लस माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका बन जाएगा यहाँ पे माइनस सिक्स टू जा कितना हो गया ट्वेल्व, और ये हो गया आपका ए, और ये हो गया आपका बी। ठीक है आगे देखो यहाँ पे सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा कितना होता है अपना ट्वेंटी फोर, और ट्वेंटी फोर देखो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे किसका आपका माइनस का, ये है आपका यहाँ पे प्लस का, और प्लस और माइनस आपस में स्ट्राइक होंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का कितना हो गया 24, और वेरिएबल चेक कर लो यहाँ पे एक तो बी है और दूसरा कितना अपना यहाँ पे सी, तो बी सी। आगे देखो यहाँ पे टू टू जा कितना हो गया फोर, अब यहाँ पे देखो ये भी आपका माइनस का और ये भी आपका माइनस का, जब माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई विद किसका बन जाएगा प्लस का, और प्लस तो आपस में क्या रहते हैं अपने पॉजिटिव नंबर रहते हैं, तो टू टू जा कितना हो गया फोर ए, और ये आपका यहाँ पे सी, ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो जो अपनी वर्कशीट है कौन सी, वर्कशीट नंबर फोर, ठीक है ये पूरी सी आइडेंटिटी के ऊपर बेस है, तीन क्वेश्चन मैंने करा दिए, जो बाकी जो क्वेश्चन रह गए उनकी प्रैक्टिस आप अपने आप से खुद से कर